गुल्लक या बरनी में रखे पैसे क्या हैं? ये हैं हमारी सेविंग्स। और जब हम इन्हें काम पे लगा देते हैं ना, यानी जब हम इनसे कुछ अर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हम सभी करते हैं, लेकिन हमें कभी इसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया। हमारे स्कूल सिलेबस में, हमारे कॉलेज सिलेबस में कभी भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का टॉपिक नहीं था। तो हमें नहीं मालूम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के क्या रूल हैं, हमें कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये जानकारी हम इस तरह कुछ वीडियो से ही ले लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपशिखा और मेरा गोल है कि हम सब बिना फाइनेंशियल वरीज के चिंता मुक्त होकर सोएं। हमें हमेशा ये मालूम हो कि हमें कब, किस समय कितने पैसे की ज़रूरत है और उतना पैसा हमें मिल जाए। और उसके लिए हम पहले से प्लानिंग कर लें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस प्लानिंग से क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा, फर्स्ट इज़ पीस ऑफ माइंड कि हमें ये चिंता नहीं रहेगी कि कब हमें कितने पैसे चाहिए और वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दूसरा, कई बार हम जो ओवर सेविंग्स, ओवर इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, आज की ज़रूरतों को इग्नोर करते हैं, वो भी नहीं करेंगे। अगर हमें मालूम है कि हमें इतना पैसा इतने टाइम के बाद चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आज की डेट में सेविंग करनी है, तो हम वो सेविंग करेंगे और बचे हुए पैसे को हम आज की ज़रूरतों के लिए यूज़ करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हैं 6 थंब रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट के वैसे बहुत से रूल्स हैं, पर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो थंब रूल्स जिनको कहा जाता है। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस जो हम बिना कैलकुलेटर, बिना एक्सेल के जल्दी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहला रूल है रूल 72। अब ये रूल 72 हमें क्या बताता है? रूल 72 हमें ये बताता है कि हमारे पैसे किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने टाइम में डबल होंगे। सपोज़ हम एक FD कराते हैं 6% के रेट से, और हम ये जानना चाहते हैं कि 6% के रेट से मेरी FD कितने टाइम के में डबल हो जाएगी। तो इसका एक साधारण सा तरीका है 72 / rate of interest 6, यानी 12 सालों में ये पैसे मेरे डबल हो जाएंगे। अब ये रूल 72 सिर्फ FD में नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे काम आ सकता है। ज़्यादातर हमने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि मैंने एक फ्लैट लिया था, मैंने एक घर लिया था, वो इतने सालों में डबल हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने एक्चुअली उस फ्लैट या उस लैंड पे कितना पैसा कमाया, कितने परसेंट की रेट ऑफ रिटर्न आई। तो इसके लिए एक साधारण सा तरीका है, अगर 8 साल में वो हमने डबल किए थे तो 72/8 हमें पता चल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो ये था रूल 72। जब हमें ये पता है कि कितना टाइम में पैसा डबल हुआ, तो हम उसका रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं, और अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न पता है तो कितने टाइम में पैसा डबल होगा हम ये भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे रूल पे। इस दूसरे रूल का नाम है 10% सेविंग रूल्स। यानी इनकम शुरू होते ही अपनी सैलरी का 10% हमें सेव करना शुरू कर देना चाहिए। तो है ना ये सीधा सा रूल, इसमें तो कुछ ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं। 10% रूल मीन्स कि हमें अपनी सैलरी का 10% मिनिमम सेविंग कर लेनी चाहिए आने वाली ज़रूरतों के लिए। अब आते हैं अपने तीसरे रूल पे, 35% - 40% रूल। अब ये रूल क्या है? ये है 35% - 40% रूल। ये रूल है हमारी EMIs के लिए। अगर हमने कोई भी घर खरीदा है, कार खरीदी है, कुछ भी लोन पे खरीदा है, तो इन सारी EMIs का टोटल हमारी सैलरी या 35% - 40% से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रूल। अगर आप कोई और लोन लेने की सोच रहे हैं, EMI बांधने की सोच रहे हैं, तो पहले ये नोट कर लीजिए कि अगर आपकी सैलरी का 35% - 40% EMIs ऑलरेडी हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको और लोन नहीं लेना चाहिए। अब आती है बारी रूल नंबर 4 की। फोर्थ रूल हमारा है 100 - एज। अब हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, हमें स्टॉक मार्केट यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करना, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बड़ा अच्छा लगता है, ल्यूक्रेटिव लगता है, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा बनती है। पर साथ ही साथ वहाँ रिटर्न ज़्यादा बनती है तो कुछ हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो देयर। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट डेट में लगाएं और कितना इक्विटी में लगाएं। तो इसका एक सिंपल थंब रूल है 100 - योर एज। जितनी आपकी एज है 100 में से माइनस कर लीजिए। अगर आपकी एज है 20 ईयर्स, तो आप 100 - 20 यानी 80% इक्विटी में लगा सकते हैं।
अगर आपकी एज है 30 तो 100 माइनस 30 70% आप इक्विटी में लगा सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ रूल, रूल 100 माइनस योर एज। अब बारी आती है रूल नंबर 5 की, इमरजेंसी फंड रूल। ये जो हमारे माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि पैसे तो हमारे पास बहुत हैं कि कहीं ये सेविंग कम तो नहीं पड़ जाएगी, और सेविंग्स कर लें, तो इसका एक साधारण सा रूल है इमरजेंसी फंड रूल। अपनी मंथली इनकम का 3 to 6 मंथ अलग से रखें इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड पे एक डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था इमरजेंसी फंड रूल 3 to 6 मंथ्स। 3 मंथ्स किसके लिए, 6 मंथ्स किसके लिए, ये आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अगला रूल है हमारा 80% रूल। अब ये रूल पता है किससे रिलेटेड है, ये है हमारी रिटायरमेंट से रिलेटेड। ज़्यादातर हम बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना, गाड़ी अपग्रेड करना, वेकेशन पे जाना, ये सारे गोल्स अपने पहले रखते हैं और बाद में लास्ट में हम ये सोचते हैं कि हम अब कुछ पैसा रिटायरमेंट के लिए भी इकट्ठा कर लें। तो इसी तरह मैंने भी ये रूल लास्ट में ही रखा, हालांकि हमें रिटायरमेंट के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। और रिटायरमेंट से रिलेटेड भी मेरी एक डिटेल वीडियो बनाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि रिटायरमेंट पे कब कितने पैसे की ज़रूरत होगी और उसे हम किस तरह से आज से सेव कर सकते हैं, वो भी आई बटन पे आपको दिख जाएगी। तो रूल रिटायरमेंट क्या कहता है, 80% रूल, इस रूल का नाम है 80% रूल। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और हम कितने पैसे आज इकट्ठा करें, तो प्री रिटायरमेंट एक्सपेंस, जिस टाइम पे आप रिटायर होंगे उस समय के आपके एक्सपेंस का 80% आपको थ्रू आउट ज़रूरत पड़ेगा। हाँ, उसमें होगा क्या, आपके पेट्रोल एक्सपेंस, कुछ फॉर्मल कपड़ों के एक्सपेंस कम हो जाएंगे, लेकिन हेल्थ एक्सपेंस, सोशल ऑब्लिगेशंस, कहीं घूमने जाना है, अपनी रिटायरमेंट को गोल्डन रिटायरमेंट बनाना है, तो कुछ पैसे बढ़ जाएंगे। तो जिस डेट पे आप रिटायर हो रहे हैं उस डेट की रिटायरमेंट एक्सपेंस का 80% हमें रिटायरमेंट के बाद के लिए चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे कुछ थंब रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो शेयर कर लीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि और क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। Thank you.